कार की चपेट में आने से महिला की मौत। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज। हम आपके बीच लगातार सभी प्रकार की खबरें लेकर उपस्थित हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए कोटा की खास खबर। शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में हैगिंग ब्रिज सकतपुरा टोल नाके के पास एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक सवार महिला अपने बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने बूंदी जा रही थी। नाता कट के पास पीछे से एक कार सवार ने टक्कर मार दी। माँ बेटे सड़क पर गिर गए। सिर में चोट लगने से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बेटे के जबड़े व पीठ में चोट लगी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का शव मोर्चरी में रखवाया गया। कुन्हाड़ी थाना जांच अधिकारी यूनुस ने बताया कि मृतिका ममता उम्र 38 वर्ष झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बा क्षेत्र के गोलाना के रहने वाली थी। अपने 19 साल के बेटे सियाराम के साथ रिश्तेदार की शादी में बूंदी जा रही थी। बाइक सियाराम चला रहा था। हैगिंग ब्रिज सकतपुरा टोल नाके के आगे नाता कट के यहाँ कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। बेटे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोल संचालक कंपनी दातार सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह ने बताया कि हादसे के बाद दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी। सभी प्रकार की छोटी बड़ी ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7।